अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज जब मैं आपके रूम में आई थी तो आप किससे बात कर रहे थे वहां पर देखकर? बताओ बेटा, कोई था वहां पे? हॉस्पिटल से फोन था। घर पे सब कुछ ठीक है ना? हाँ घर पे सब ठीक है, लेकिन वो क्लिनिक वो बच्चों से रिलेटेड। मानवी ऐसी बातें नहीं करते। मैं हूं ना, मैं आती रहूंगी आपसे मिलने के लिए, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। राहुल आई एम सॉरी। रहने तो मानवी, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मेरी इतनी परवाह होती तो ये सब नहीं करते। मुझे लगता है कि मुझे छोड़ के तुम्हें पूरी दुनिया की परवाह है। मैं अकेला ही पागल हूँ जो सब कुछ ठीक करना चाहता है कि एक एल्बम रिकॉर्ड हो जाए हम दोनों के गाने की। और तुम्हारा क्या है, गाना होगा तो होगा, नहीं होगा तो भाड़ में जाए, क्या फर्क पड़ता है? राहुल ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी खाने के टेबल से ऐसे नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो बच्चे तुम्हारे। वो बच्चे तुम्हारे नहीं है, प्लीज उनकी मां बनने की एक्टिंग मत करो। वो बच्चे 15 मिनट और वेट कर सकते थे ना। तुम्हें तो मालूम है पापा को और निशा को कब से बैठा कर रखा था मैंने। एक निवाला नहीं खाने दिया था कि पहले हम स्पीच सुनेंगे तुम्हारी, और तुम ऐसे भाग गई वहां से जैसे मजाक होता है यार। लेकिन राहुल मैं सॉरी बोल रही हूँ ना, मैं तुम समझ नहीं रहे हो। मुझे हॉस्पिटल से फोन आया और डॉक्टर ने मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया, इसीलिए मैं भाग भाग के वहां चली गई। तो मैं क्या तुम्हें और डराने वाला था? मैं कोई हिटलर हूँ मुझसे बात करती? मैं कोई दरिंदा हूँ जो मैं ऐसे बच्चों के साथ कुछ बुरा होने दूंगा? मैं तुम्हारे साथ आता, तुम तो ऐसे मुंह उठा के चली गई और जो करने आई थी वो भी एक फॉर्मेलिटी से करके चली गई। मैं कोई अपनी तारीफ सुनने के लिए नहीं बैठा था वहां पर, एटलीस्ट मुझे बता के तो जाओ। राहुल प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा ये देखो, कान पकड़ के बोल रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम हॉस्पिटल ऐसे गई थी? हाँ ऐसे ही गई थी। अच्छा मेरी बात सुनो ना, प्लीज मेरी स्पीच तो सुन लो। तुम्हें पता है मैंने कितनी मुश्किल से उसको ट्रांसलेट करवाया था, और उससे ज्यादा मुश्किल से तो मैंने उसे याद किया है। Really? देख लो, अगर गलती की तो जर्मन में लिखवाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, पंजाबी में करने में मुझे इतनी प्रॉब्लम हो गई, जर्मन का तो कोई ट्रांसलेटर भी नहीं मिलेगा। नहीं नहीं इतना ही ठीक है। बोलू मैं सोचिया सी के तुहाडे लई 5 लाइन लिखांगी, पर जदो मैं 5 लाइन लिख लिया फिर मैनू लगा के ए घट है। तुसी इस दुनिया दे सब तो वधिया हस्बैंड हो, तुसी दिल दे बहुत चंगे हो, तुसी सारियां दी बहुत रिस्पेक्ट करदे हो, फिर चाहे वो मेरे माँ बाबा हों या फिर तो हाडे मम्मी पापा जी। तुम ये सब कुछ मेरे बारे में मेरी फैमिली के सामने बोलने वाली थी? अच्छा हुआ तुम चले गए वहाँ से, क्योंकि मैं तो लाल हो रहा था। इसके अलावा एक और सरप्राइज है। इसके अलावा और? मैंने एक गाना याद किया है पंजाबी में, सुनाओ। मैं तेनु समझावांगी ना तेरे बिना लगता जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तूने तो यूं जान मेरे दिल ने चुन लिया ने।
मुझे पक्का पता है राहुल मानवी को डांट रहा होगा, मुझे उसे समझाना चाहिए। हम एक बात और बोलूं? और भी? तुमने क्या पंजाबी में पीएचडी कर ली? बोलूं? और चिता तुसी नाचते हो, मेरा दिल करता है कि मैं तो अनुवेक्ती रहा। और जदो तुसी कांदे हो, मेरा मन करता है कि मैं भी तो हड़े नाल गुनगुनांदी रहा। सुनो, आज के बाद सिर्फ पंजाबी बात करनी है। नहीं नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। करूं क्या? ये दोनों भी ना कमाल के हैं, मूड बदलते टाइम ही नहीं लगता इनका। क्या है यहाँ कि तुम अपनी बहू और बेटे के कमरे में इस तरह के से ताका छाकी कर रही हो? ये अच्छा लगता है? कहीं तुम उन सासों की तरह तो नहीं हो गई हो जो प्रपंच रचाती हैं? Shut up, Raj. कुछ भी मत बोलो तुम। मैं ऐसे ही देख रही थी। तुम भी देखो, मानवी कितनी प्यारी लग रही है पंजाबी बोलते हुए। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे इस ताका छाकी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ये सब अच्छी बात नहीं है। हाँ, चलो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या? आओ तो बताता हूँ। अरे पर इधर हुआ क्या? अरे आओ तो सही, तुम्हें एक खुशखबरी देनी। खुशखबरी ये है कि वो जो प्रॉपर्टी थी ना, वो बिकने के लिए मार्केट में अवेलेबल है। बिली मोरिया हाउस? हाँ, बिली मोरिया हाउस। बिली मोरिया का रिलेटिव उसका एक ऑनर है और वो इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए तैयार है। पुलिस ने भी हरी झंडी दिखा दी है। आई एम वेरी एक्साइटेड। पता नहीं राज, मुझे डाउटफुल लग रहा है। जिस घर के बारे में सिर्फ नेगेटिव रिव्यूज मिले हैं, मुझे नहीं लगता तुम्हें ये प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। नहीं, आई डोंट थिंक सो। नहीं यार सोनाली, हमें वहाँ कौन सा जाके रहना है? गेस्ट हाउस बनाऊंगा, मेरे क्लाइंट्स जाके रहेंगे वहाँ पर। और मैं एक्साइटेड सिर्फ इस वजह से हूँ क्योंकि एक प्राइम लोकेशन है। ऐसी प्रॉपर्टी दोबारा हाथ में नहीं आती है। तुमसे बहस करना तो तुम तो अपनी मर्जी की करोगे। तो फिर कर क्यों रही हो बहस? तुम एक काम करो, तुम मेरा सामान पैक कर दो, मैं आज रात को निकलूंगा। रात को? अरे कल सुबह तक तो रुक जाओ। कल सुबह? नहीं बाबा, ये बात आज ही शुरू हुई है। मैंने चाहता हूँ कि कल उसकी बोली लग जाए और ये प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाए। मैं इस डील को आज रात को क्लोज कर दूंगा जाकर। इसलिए तुम सामान पैक करो, मैं फ्रेश हो गया। राहुल को ये बात बता के जा। बिल्कुल नहीं, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। मैं बताऊंगा कब सबको इन्फॉर्म करना है। ओके, प्लीज पैकिंग। पता नहीं मुझे अजीब क्यों लग रहा है, इस घर के बारे में सोच के बहुत नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है। ठीक है माँ, हम जाएंगे। मॉर्निंग राहुल। मानवी, ठीक है? ब्रेकफास्ट? वो जो मुझे दिख रहा है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब ले आई हूँ, पर क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें दिल से सॉरी बोलना चाहती हूँ। इस चीज़ के लिए? ओह, कल रात के लिए? वो जो तुमने मेरे घर वालों के सामने मेरी बेइज्जती की थी, उसके लिए? अरे आई थॉट हमने कल रात को वो चैप्टर खत्म कर दिया था। और सुनो, तुम जरा शाणी मत बनो। जो तुमने कल किया ना, उसके बदले में मुझे ये नहीं, कुछ और चाहिए। और क्या चाहिए? प्रॉमिस। Promise? Promise कि तुम इस एल्बम को सीरियसली लोगी। Promise? नहीं, सीरियसली वाला promise। हाँ, सीरियसली वाला promise। तुम टाइम पे रिहर्सल पे पहुंचोगे? हाँ, मैं टाइम पे रिहर्सल पे पहुंचूंगी। मुझे लग नहीं रहा कि तू करने वाली। अच्छा, मैं हंस रही हूँ सिर्फ, लेकिन मैं सीरियस हूँ, करूंगी राहुल। लिरिक्स सुनाता हूँ राहुल, बहुत सारे काम बाकी हैं।
मैं काम करके आती हूँ, फिर आराम से बैठ के लिरिक्स सुनूंगी, ठीक है? अब क्या हुआ? कुछ नहीं, जाओ काम करो। देख ले मैंने क्या सीरियसनेस है तुम्हारे। नहीं नहीं जाओ। पहले लिरिक्स सुनूंगी, बाद में जाऊंगी। नहीं सुनना है मुझे लिरिक्स। जाओ तुम काम काज कर लो ना यार। आई एम श्योर भाई नहीं आई होगी, तुम्हारी बहुत जरूरत होगी। राहुल घर के काम करने भी जरूरी होते हैं। अभी मेरे को तुमने प्रॉमिस किया और अभी तुम उठ के जा रही हो। ओफो, अच्छा बोल रही हूँ ना, सुनाओ। वो है 10 बज गए, मैं तुम्हें डांट रहा हूँ कि तुम टाइम पे नहीं आती हो और मैं खुद लेट हो गया। उठो। ओफो, उसको छोटू को बोलो कि मेरा सारा सामान तैयार करे, मैं जा रहा हूँ तैयारों में। अच्छा ठीक है, तुम तैयार हो के आओ, मैं तुम्हारा सारा सामान रेडी। टाइम पे पहुंच जाना। हाँ बाबा पहुंच जाऊं। मॉम सॉरी मैं लेट हो गया। डैड गए क्या ऑफिस? वो शहर से बाहर गए बेटा। शहर से बाहर कब चले गए? काम से गए बेटा, और तुम तो अपने डैड को जानते ही हो, अपनी मन की ही करते हैं। नहीं मैम मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ पता भी कर लिया करो, आप ही के हस्बैंड हैं यार, क्या पता उनका अफेयर चल रहा हूँ। जस्ट सेइंग। पर राहुल एक मिनट मेरी बात सुनो ना, वो मैं क्या कह रही थी कि मैं स्टूडियो आने से पहले थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल हुआ हूँ। बच्चों को मिलना? हाँ राहुल। क्यों? वो एक्चुअली मेरा उन बच्चों से मिलना बहुत ज़रूरी है, मुझे हर वक्त उनकी फिक्र लगी रहती है, वो मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं राहुल। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि स्टूडियो टाइम पे आ जाऊंगी, प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हें जो करना है तुम करो, टाइम पे ऑफिस पहुंच जाना, मेरा टाइम वेस्ट करो इट्स ओके, मेरे लोगों का टाइम वेस्ट मत करना। अंडरस्टैंड? छोटू डॉक्टर साहब बहुत गुस्से में हैं, किसी को भी नहीं पता ये सब हुआ कैसे, सबको बता दो। और हाँ हॉस्पिटल में भी अच्छी तरह से देख लेना, हालांकि इसका कोई फायदा नहीं लेकिन फिर भी हंसराज को बोलो पार्किंग लॉट में देखने के लिए, उसकी नौकरी तो सबसे पहले गई। हॉस्पिटल में हुआ क्या है इतना सन्नाटा, एक आदमी नजर नहीं आ रहा पूरे हॉस्पिटल में। नर्स नर्स एक मिनट, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? मानवी मैम वो बच्चे भाग गए। बच्चे भाग गए? इतने छोटे से बच्चे कहाँ चले गए? पता नहीं मैम, लेकिन वो कल रात को ही भाग गए। क्या पूरे हॉस्पिटल में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है? मैम सब थे लेकिन उन बच्चों को हॉस्पिटल से निकलते हुए किसी ने देखा नहीं, पता नहीं इस हॉस्पिटल में क्या चल रहा है। किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया आप तक के नहीं? हाँ डॉक्टर साहब ने इन्फॉर्म कर दिया है और पुलिस भी छानबीन कर रही है आसपास के इलाकों में बच्चों के लिए। इतने छोटे से बच्चे आखिर जा कहाँ सकते हैं, रात चल रहा है यहाँ पे। रात को ड्यूटी पे आप ही थे ना, तो फिर आपने बच्चों को जाते हुए नहीं देखा? मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा मैडम, इस गेट पर ड्यूटी हमारी थी लेकिन कल रात मेरी सास की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए मैं अपनी बीवी को हर एक घंटे में फोन करके उनका हाल चाल ले रहा था। इस दरमियान मैं ये गेट छोड़ के कहीं भी नहीं गया, फिर वो बच्चे कहाँ गए मैंने उन्हें जाते हुए नहीं देखा मैडम। हाँ तो मैं वही तो पूछ रही हूँ कि आपने कैसे नहीं देखा, यही एक रास्ता है या कोई और भी रास्ता है बाहर जाने का? इसी बात को तो सोच के हम लोग परेशान है मैडम कि बाहर जाने का एक यही रास्ता है तो बच्चे आखिर कहाँ चले गए, हो सकता है पार्किंग एरिया में हो, शायद रात में मुझे नींद आ गई हो और बच्चे उसी दरमियान निकल गए हो। मैडम मैं देख के आता हूँ। बेचारे बच्चे, उनका तो कोई अपना भी नहीं है यहाँ पे, फिर वो कहाँ गए होंगे, किसके पास गए होंगे? ऊपर से दिल्ली की सड़कें, उन बच्चों ने तो रोड क्रॉस करना भी नहीं सीखा, वहीं किसी गाड़ी ने? नहीं मुबारक हो सर, डील तो आपके फेवर में हो गई है और वो भी आपके कोर्ट के हुए प्राइस में, पर सर मुझे लगता है कि इस घर के बारे में आपको एक बार कम से कम एक बार सोच लेना चाहिए। आई मीन टू से कि देखिए ना इस घर की हालत, ऐसा लगता है किसी भी समय बड़बड़ा के नीचे गिर जाएगा। गिरता है तो गिर जाए,
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी रेनोवेट करना ही है, और मैं जो भी कीमत दे रहा हूं मैं इस घर की नहीं इस जमीन की दे रहा हूं, मुझे इस जमीन में इंटरेस्ट। सर तो चलिए ना, ऐसी प्रॉपर्टी तो बहुत तेरे है, मैं आपको दिखाता हूं। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम ये प्रॉपर्टी किसी और को बेचना चाहते हो क्या? अरे सर तो फिर इतने एक्सक्यूज क्यों दे रहे हो? हाँ कैसी बातें कर रहे हैं सर, ये तो बस आपके लिए कर रहा है। आपको पता है सर यहाँ पास्ट में क्या हुआ? मैं सब जानता हूँ यहाँ पर क्या क्या हुआ। पिछले दिनों कबीर का मर्डर हुआ, बच्चे इतने सालों से कुछ अजीब हालात में यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम लोगों की तरह इमोशनल फूल नहीं हूँ जो इन सब उल जलूल बातों की वजह से इतनी प्राइम प्रॉपर्टी को छोड़ूंगा। फिर ठीक है सर, फिर मैं पेपर्स रेडी करवा ही लेता हूँ। हाँ तुम करवा लो और तुम जाओ, अभी मैं थोड़ा रुक कर आऊँगा। ठीक है। बहुत हालत खराब है, बहुत काम करना पड़ेगा यहां। बच्चे यहाँ पर ऐसा क्या करते हैं जो हर जगह खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं? हेलो, कोई है क्या? शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं, मुझे घर जाके आराम करना चाहिए। किसने लॉक किया? दरवाजा खोलो, किसने बंद किया ये? दरवाजा खोलो, कौन है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आवाज कैसे? जरूर यहां पर कहीं मैं कुछ इमेजिन तो नहीं कर रहा हूं? नहीं, जरूर कोई है जो
जो नहीं चाहता कि मैं बंगला खरीदूं, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। कौन है वहां? देखो बहुत मजाक हो गया। कौन है वहां? बाहर आओ। Thank you.